45 46 साल की दुकानों की एक सेकंड खाली नहीं है और सब पीछे से लाइन लगा है। अगर भंडारा चल रहा हो यहाँ पे मस्त फ्राई टिकिया और दो टिकिया लीजिएगा आप। आलू वालू ऊपर पड़ा हुआ है, दही गोलगप्पे इसे कहते हैं। वाह भाई जी ना एकदम थिक दही वो इसमें पड़ी हुई है, ये देखिए आप एकदम। फुल्की ज़्यादा पसंद नहीं है, टिकिया ज़्यादा पसंद है। तो भाई कमेंट में लाइव पे मैं जहाँ पे भी जाता हूँ आप लोगों की सबसे पहली रिकमेंडेशन ये रहती है कि भाई बहराना वाली शिव चाट भंडार कवर करके दिखाइए। चाट की मैंने दो तीन वीडियो आपको दिखा दी लेकिन फिर भी आपकी रिकमेंडेशन खत्म ही नहीं हो रही कि भाई चाट कवर करना है तो बहराना चाट बहराना में शिव चाट भंडार दिखाइए। तो आज वही कवर करने आपकी रिकमेंडेशन पे आ गए हम बहराना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं EFT और चाट। इलाहाबादियों को इतना पसंद है चाट। अभी हो रहे हैं 5:30 और भीड़ देखिए आप यहाँ पे। दुकान का नाम शिव चाट भंडार है। पीछे आप पुल देखिए, ये बहराना वाला ओवरब्रिज है। पीछे घूम के देखिए, ये बहराना वाला ओवरब्रिज है और उसके जस्ट सामने ये अंकल जी की दुकान है। बहुत छोटी सा आउटलेट है, ये तिकोनिया वाली क्रॉसिंग है। तो अंकल जी एकदम खाली नहीं है इस समय, लगातार बिजी हैं। टोकन मिलता है यहाँ पे, फुल्की चाट टिकिया आपको कुछ भी खाना हो सब टोकन मिलता है। और यहाँ फुल्की बन रही है, पीछे सारे रेट लगे हुए हैं। दुकान आप देख रहे हो बहुत छोटी सी है, चूँकि इतनी ज़्यादा भीड़ पे है इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ भी आ रही होगी, थोड़ा नॉइज़ भी आ रहा होगा, लेकिन उसको अवॉइड कीजिएगा। अंकल जी थोड़ा बात करते हैं, कितनी पुरानी दुकान हो गई है? 1978 से। 78 से है, जोड़ के बताइए कितना हुई? 45-46 साल की दुकान हो गई। सारी प्रिपरेशन देसी घी की रहती है? आलू टिकिया देसी घी की रहती है। और बाकी चीज़ें रिफाइंड की रहती है। तो आलू टिकिया देसी घी की रहती है और 50 रुपये की आलू टिकिया रहती है। और फिर भी इनकी पानी पूरी और ये सब खाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। तो नो डाउट आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हो एकदम। वैसे भी भीड़ भाड़ वाला ही इलाका है। समय क्या रहता है खोलने का और बंद करने का? 5 से 10 शाम को, 5 बजे से 10 बजे तक दुकान खुलती है। मिलता क्या क्या है? पानी वाली फुल्की मिलती है, दही वाली फुल्की मिलती है, टिकिया मिलती है, टमाटर चाट मिलती है। इसी तरह जैसे जो चाट की दुकानों पर जो चीज़ें मिलती हैं ना आपको, वो यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। चाट की दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़, आप पीछे घूम के देखो, अंकल जी एक सेकंड खाली नहीं है और सब पीछे से लाइन लगाए हुए हैं टिकिया खाने के लिए। 5 बजे दुकान खुली है, अभी हो रहे हैं 6 और 6 बजे ये हाल है कि यहाँ पे देख रहे हो पीछे चाट फुल्की खाने के लिए मतलब अंधाधुंध भीड़ लगा, जैसा लग रहा भंडारा चल रहा हो यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टिकिया हमने ले ली है सिंगल पीस वाली, ठीक जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैंने लिया हुआ है। 50 रुपये की फुल टिकिया रहती है और 30 रुपये की हाफ, साथ में 25 रुपये के 5 गोलगप्पे रहते हैं। तो भाई हम भी खा के देखते हैं क्यों लोग इतना पसंद करते हैं यहाँ की टिकिया, यहाँ की फुल्की। टिकिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये टिकिया है, मैंने सिंगल पीस लिया है, ये 30 रुपीज़ की रहती है। ऊपर ये आलू के लच्छे पड़े हुए हैं आपको दिख ही रहा है, साथ में चटनी और ये बाकी। आप चटनी उटनी अगर कम पड़ जाए ना, अरे वाह यार ये तो छूटी टूट गई। अच्छा टिकिया जो होती है ना इनकी, ये देसी घी में बनी होती है, बाकी जो फुल्की वुल्की होती है वो रिफाइंड की बनी होती है। गजब यार, जिनविन भीड़ है भाई। इसको खाने के लिए जो लोग भीड़ लगाए हुए हैं वो अब पता चल रहा है, जब आप खाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि लोग यहाँ भीड़ क्यों लगाए हुए हैं। आपको टिकिया में दिखाता हूँ, पास आइए, टिकिया में दिखाता हूँ। ये टिकिया देख रहे हैं आपको, और ये इतनी क्रिस्पी और इतनी मस्त टिकिया है, ये देखिए। और चटनी इनकी, चटनी इसमें जो पड़ी हुई है ना, ये वाली, ये चटनी देख रहे हो, ये वाली बहुत ही ज़्यादा मस्त चटनी भाई। वर्थ है, यहाँ की टिकिया खाना एकदम वर्थ है। अगर आपने नहीं ट्राई किया ना तो ज़रूर ट्राई कीजिए। लोकेशन तो मैंने आपको बताई दी, बाबा जो नहीं वो मैं बता दी। ये देखिए जब आप बहराना पहुँचेंगे ना, बहराना चुंगी पे, तो चाट की दुकान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ में ही आपको पता चल जाएगा किस जगह दुकान है। और सिर्फ टिकिया मैंने ट्राई करी है, एकदम मस्त जबर टिकिया। 30 रुपीज़ इसकी प्राइस है और जो दो टिकिया रहती है ना वो 50 रुपीज़ की रहती है। और जो आलू के लच्छे ही डालते हैं ना, गजब ढार है भाई साहब, क्या बात है। तो यहाँ आके मस्त ट्राई टिकिया और दो टिकिया लीजिएगा आप। मेरी कैपेसिटी थोड़ी कम है और मैं एक वीडियो बना के भी आ रहा हूँ, इसलिए एक लिया हूँ, आप दो लीजिएगा, ठीक। अब क्या ट्राई किया जाए? दही गोलगप्पे। अब दही गोलगप्पे ट्राई करें। थोड़ा तेज मैं बोल भी रहा हूँ जिससे आप लोग तक आवाज़ पहुँच जाए, ठीक है? प्रयास जारी है। जिन भी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि शिव चाट भंडार कवर कीजिए, जो कि मेरे लिस्ट में पहले से इंक्लूडेड था, उनको सभी को थैंक यू, जितने भी लोगों ने किया था। तो आज मैंने कवर कर दिया, और भी जो चीज़ें वो भी दिखा देते हैं। तो भाई अगर रिव्यू लेने लग जाएंगे तो यहाँ पंक्ति लगवानी पड़ेगी, लाइन लगवानी पड़ेगी, तब एक एक लोगों से पूछना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको भीड़ दिखाई दी है उससे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, हमने आपको दिखा दी, आपने ले लिया है यहाँ पे दही गोलगप्पे है। 25 रुपये की 5 पीसेज रहती है इसमें, ठीक है? और आलू वालू ऊपर पड़ा हुआ है, दही गोलगप्पे इसे कहते हैं, ठीक। इसे ट्राई करते हैं।
भाई साहब एकदम अलग है। जो दही वड़ा वाली दही होती है ना एकदम थिक दही, वो इसमें पड़ी हुई है, ये देखिए आप एकदम ठीक है, और काफ़ी हैवी है। पाँच में काम नहीं होगा, जब यहाँ आना 10-15 खाने पड़ेंगे कम से कम, इससे कम में काम नहीं होने वाला। और मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने 4 मसक दिए हैं और ये 2 और है, 8 मैंने खा के दिखाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बाकी दही पूरी भी इनकी काफ़ी मस्त है, देखते हैं इनकी पानी वाली पूरी कैसी है, तो पानी पूरी खा के देखते हैं इनकी, उसका भी टेस्ट बताते हैं आपको। जल्दी खा लीजिएगा नहीं ऐसे गिरेगी, ठीक है। पूरी खा के दिखा दी आपको, टिकिया खा के दिखा दी, पानी पूरी भी खा के दिखा देते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है भाई। ये है और 25 रुपये की 5 रहती है, ठीक, इसको भी ट्राई करते हैं। वैसे इतना ज़्यादा मुझे फुल्की ज़्यादा पसंद नहीं है, टिकिया ज़्यादा पसंद है, लेकिन फुल्की भी अब लोगों को पसंद है तो आपको ट्राई करके दिखाना तो बनता है। एकदम क्रिस्पी करारी फुल्की, बस हाँ थोड़ा और तीखी होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बहुत तीखा पसंद है। इनके पास दही बड़े भी रहते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, अभी कुछ दिनों से बन नहीं रहा है तो दही बड़ा 2 दिन बाद से बनने लगेगा, तो उसे भी आकर ट्राई कीजिएगा। और वो काफ़ी दूर दूर तक लोग पसंद करते हैं और काफ़ी दूर दूर तक जाता भी है उसे, लोग इतना ज़्यादा मतलब डंडा कर दिए, रिप्लाई लाइव पर जाओ तो कमेंट पर जाओ तो भाई साहब शिव चाट भंडार बहराना वाला, शिव चाट भंडार बहराना लोग कर दिया आज, ठीक है अब नहीं बचाना, अब लाइव में ये मन बोलना भाई, ठीक भाई। खा के टेस्ट हमने भी बता दिया है और यहाँ की भीड़ भी आपको टेस्ट इंडिकेट कर ही रही होगी, तो यहाँ आके चाट फुल्की दही बड़ा जो जो चीज़ें रहती हैं सब ट्राई कीजिएगा। आपकी रिकमेंडेशन मैं इसको कवर करने आया था, इस तरीके के प्यारे प्यारे रिकमेंडेशन, अच्छे अच्छे अपने सलाह हम लोगों को देते रहिए, हम उसको भी कवर करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरीके की जैसे रिकमेंडेशन दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में उसे बताइएगा, यहाँ खाने के बाद आपको चाट कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं प्रयागराज की किसी दूसरी वीडियो।